मधील दुहेरी हत्याकांडाच्या आरोपीला 24 तासात अटक, मीरा रोड पोलिसांची कारवाई। मीरा रोडच्या शबरी हॉटेलमध्ये पाण्याच्या टाकीत 4 तारखेला मध्यरात्री 2 मृतदेह आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली होती। काल कल्लू यादव नामक आरोपीला ठाणे ग्रामीण पोलिसांनी पुण्याहून अटक केली। त्याची चौकशी केली असता मयत मॅनेजर मला जेवण व्यवस्थित देत नव्हते आणि स्वतः मात्र चांगले जेवण खात होते असं जाब विचारल्यावर मयताने आरोपीला मारहाण केली होती। याचा मनात राग धरून हॉटेल मॅनेजर हरीश शेट्टी नरेश पंडित हे गाढ झोपेत असताना त्यांच्यावर फावड्याने वार करून ठार मारले आणि त्यांना हॉटेलच्या टाकीत टाकून पळ काढला। त्याला मीरा रोड पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत। पुढील तपास पोलीस करत आहे। पुलिस स्टेशन मीरा रोड में 5 जून 2020 को डबल मर्डर का एक 302 के तहत एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। तो उसमें मीरा रोड के ज्यूरिडिक्शन में एक शबरी बार एंड रेस्टोरेंट नामक का एक होटल है, वहाँ पे 2 लोगों की डेड बॉडी वाटर टैंक में वहाँ पे डाली है, ऐसे करके एक इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो इसमें हमने एक गंभीर स्वरूप का और कॉम्प्लिकेटेड ऐसा ये ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, इसके तहत निश्चित तौर पे हमने उसमें तहत तक जाके इसके छानबीन के लिए 3 पुलिस की टीम्स बनाई थी और एक टीम हमारी पुणे में गई थी और पुणे में हमने वहाँ से जो मेन एक्यूज है कल्लू यादव, इसकी उम्र है 35 साल की, तो इसको हमने वहाँ से अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लाया था और उसके उसके जो ऑफेंस के तहत उसको पूछताछ करने के बाद उसने बताया है, उसने गुनाह भी कबूल किया है और उसका कहना है कि जो मैनेजर थे होटल के उनको अच्छी तरह से खाना नहीं दे रहे थे, खुद बाहर से अच्छा खाना मंगा के खा रहे थे, कुछ पैसे भी उनको नहीं दे रहे थे, तो इसलिए उन्होंने 30 मई की रात को ये तीनों ने वहाँ होटल में ड्रिंक भी किया और उसके बाद ये सब सो गए और सुबह उठ के फिर जो एक्यूज है यादव, उसने फिर उन दोनों को एक हम खेती के इसमें एक औजार का यूज़ करते हैं उसके तहत उसने उनके सिर पे बॉडी पे अलग अलग जगह पे उसने ये वार किया और उनका वहाँ पे मर्डर किया और दोनों को जो लाशें है इनको उन्होंने पानी की टंकी में डाल दिया। तो इसमें जब हमने ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो एक बात सामने आई है कि जो कल्लू यादव है जो मेन एक्यूज है, तो इसने इसका जब ये होटल में कामगार के तौर पे इसको लिया था होटल मालिक ने, तो इसका कोई इन्होंने छानबीन नहीं किया था या इसे कोई जो अलग तरीके के कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे थे, कुछ आईडी या कुछ कहाँ का रहने वाला है, तो ये उन्होंने इनके पास कुछ नहीं था होटल के पास। तो जब हमने कल्लू का जब हिस्ट्री निकाला तो कल्लू के खिलाफ कोलकाता में मर्डर का एक ऑफेंस रजिस्टर्ड है, उसमें उसने 2 वॉचमैन को वहाँ पे उनका मर्डर किया था, ये जेल भी जा चुका है और पुणे के ज्यूरिडिक्शन में इसके ऊपर 2 अलग अलग ऑफेंस रजिस्टर्ड है।